अस्सलाम वालेकुम नयान, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्का शुक्र, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो नयान, सबसे पहले ना आपकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे जरा आप? ठीक है, मेरा नाम मयान आमिर है। मैंने बैचलर्स किया हुआ डीबीए में बैक इन 2021 में। ठीक है, तो हम एलआईडी इंडस्ट्री रावलपिंडी में, ठीक और हो मेरी गया। स्पेशलाइजेशन है एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में ना। जी, ठीक हो तो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि राइट आपको सोच डब्ल्यू एस एल का कैसे पता चला? डब्ल्यू एस एल में आप कैसे आए? WSL का, ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू मैंने सर्चिंग कर रहा था, वर्किंग कर रहा था, तो उसके थ्रू ना मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी। सही, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा आप डब्ल्यू एस एल के बारे में बता सकते हैं? आप क्या जानते हैं आप डब्ल्यू एस एल के बारे में? जी, WSL बेसिकली जो है कंसल्टेंट है, स्टडी कंसल्टेंट है। ये मेनली डील कर रहे हैं यूरोप में, और काफ़ी अच्छा डील कर रहे हैं, और मार्केट में इनका नेम भी है। ठीक हो गया। तो मुझे ऐसे ये बताएं जरा कि आप हमारे साथ ना, यानी आप इनरोल कब हुए थे? केस आपका कब स्टार्ट हुआ था? एनरोल मैं मार्च में हुआ था 2023 में। ठीक हो गया। और आपका अप्लाई किस टाइम पे हुआ था? मार्च में तो आप हमारे पास इनरोल हो गए थे। अप्लाई मैंने ये विंटर में किया था 2023 में ना, तो उसी इंटेक में मेरा वो भी गया था, और लीगलाइजेशन के वो मांग रहे थे हमसे ना डॉक्यूमेंट्स, तो वो एम्बेसी ने थोड़ा डिले कर दिया था, इसी वजह से विंटर में नहीं जा सका। ठीक हो गया। तो मुझे ना यूनिवर्सिटीज के नाम बता सकते हैं कि आपका, चलिए, हमने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, प्रोग्राम्स के वजह से अगर आपको याद हो तो? मैं वो याद कर लेता हूँ। एक तो इंस्पायर के, जहाँ जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, उसके अलावा एक था FHK थी इंडस्ट्री, ठीक है। और दो तीन और भी थी अभी, मुझे JKU थी एक, और एक और भी थी कोई। ठीक है। इन शॉर्ट, यानी कि अभी आपका इंस्पर्क में से आपका एक्सेप्टेंस भी आ चुका है लीगलेस के बाद, तो अभी आपको इंस्पर्क में से एडमिशन मिला हुआ, ऐसे ही है? जी, ठीक हो गया। तो फिर थोड़ा बिल्कुल सा ऐसी ही मुझे बताएं जरा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे डब्ल्यूएसएल के साथ? एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ था WSL का, और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काफ़ी उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमारे टीम के हवाले से कोई कुछ आप कहना चाहेंगे कि टीम ने कैसे मतलब आपको गाइड किया? टीम ने बिल्कुल अच्छा गाइड किया। पहले मैं सलीमा थी, उनसे स्टार्ट किया मैंने, देन मिस मुनज्जा आई बीच में, आरपी और बाकी उनका टाइम, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, और सही एंड पे मिस सबा रियाज आई है, तो सही उनसे भी सही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है। तो अभी ये जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियोस देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे जी डब्ल्यूएसएल के जी रिगार्डिंग, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके हवाले से? उनको मैं यही कहूँगा कि देखें, अगर तो वो वाकई कोई सीरियस स्टूडेंट और वो बाहर परस्यू करना चाह रहे अपनी एजुकेशन को, ठीक है, और वो वाकई इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो कंसल्टेंट करवा लें, उनका कोई ना कोई उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है, क्योंकि तो मशवरा देना होता है, और वो सबसे बड़ी बात होती है। डॉक्यूमेंट्स तो आर पी प्रिपेयर कर लेता है, तो बिल्कुल मैं ऐसे ही यही है। कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल WSL की तरफ आएँ, और अपना जो है उनसे एक्सपीरियंस लें उनसे, और इंशाल्लाह बेहतरी होती है इसमें उनके लिए ना। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुशी हुई कि बिल्कुल आप हमारे इस जो सर्विसेज हैं उससे आप सेटिस्फाई हो। बाकी फ्यूचर के लिए फिर आपको हम बेस्ट बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, सेटिस्फाइड हैं जी, ठीक बिल्कुल। थैंक है? बाकी इंशाल्लाह जिंदगी तो यू दोबारा सो मच, मुलाकात होगी, एंड ठीक है? अगेन थैंक ओके, कोई मसला नहीं। यू सो मच, थैंक यू थैंक यू ओके ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।